हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। पहली रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बारे में। एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो हम लोगों को स्टूडेंट्स पूछते हैं जर्मनी को लेके, वो ये रहता है कि पोस्ट एजुकेशन कैसे हम लोगों को वहाँ पर जो रूल्स हैं फॉलो करना है और क्या क्या हमारे वर्किंग राइट्स हैं। एज इन वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई के बाद वो कितना टाइम स्टे कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर क्या प्रोविजंस उनको मिलते हैं। तो पहले ये मैं बताऊंगा कि जब आप एक नॉन ईयू इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई जर्मनी में फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुली, उसके बाद आपको एक जॉब सीकर वीज़ा जो होता है वो मिलता है, जिसकी ड्यूरेशन टेंटेटिवली 18 to 20 months की होती है। उस दौरान आपको वहाँ पर जॉब खोजना होता है। एंड प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये जो 20 मंथ्स का टाइम रहता है, इसमें इजीली स्टूडेंट्स को वहाँ जॉब मिल जाती है। पास्ट रिकॉर्ड जो हमारा रहा है, हमारे थ्रू जो भी स्टूडेंट्स गए हैं, हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस ऐसा रहता है, मेथड ऐसा रहता है कि उनको हम लोग शुरू से एंड टू एंड गाइडेंस देते हैं और उसके बेसिस पे उनको जॉब भी इजीली मिल जाती है। एंड वो पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं, पार्ट टाइम जॉब पे भी फोकस करते हैं और बैलेंस बना के चलते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 20 मंथ्स में जब वो जॉब सर्च कर लेते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड जब जॉब वो सर्च कर लेते हैं, तो उनको फिर फर्दर दो ऑप्शंस मिलता है। एक होता है ईयू ब्लू कार्ड, दूसरा होता है वर्क बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी। ईयू ब्लू कार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो ईयू ब्लू कार्ड होता है, ये नॉन ईयू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलता है जो दूसरे कंट्रीज़ के सिटीजन्स होते हैं। और इसमें ये बेनिफिट रहता है कि ईयू ब्लू कार्ड मिलने के बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो पूरे यूरोपियन यूनियन में, शेंगेन एरिया में, कहीं पर भी रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं एंड बिजनेस भी कर सकते हैं। साथ के साथ इनको फैमिली रियूनियन के लिए भी जो वीज़ा के जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वो मिलते हैं, यानी इनकी जो फैमिलीज होती हैं वो भी फर्दर वहाँ पर वीज़ा लेके जाके उनके साथ रह सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू वर्क बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी, वर्क बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी जो होती है, उसके लिए आपका जो प्रोग्राम जिसकी आपने पढ़ाई की है जर्मनी में, उससे रिलेटेड आपने जॉब किया होना चाहिए आपके जॉब सीकर वीज़ा में, एंड उसके बेसिस पे आगे जाके आप वर्क बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं, जो लॉन्गर रन में जाके आपको सिटीजनशिप लेने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक आध पॉइंट्स मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहूँगा। देखिए, जब आप परमानेंट रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जो होता है वो मीट करना होता है, जैसे कि आपको वहाँ की जो जर्मन पेंशन स्कीम होती है उसमें पेमेंट करनी होती है, टैक्सेस अपने टाइमली पे करने होते हैं, तो यू हैव टू बी क्लियरफुल विद दैट। सेम टाइम पे जर्मनी के भी पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, रूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं एंड आपको मॉनिटर करना पड़ेगा अपडेट्स को, पर्टिकुलरली फेडरल ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज BAMF और लाइकवाइज और भी जो सिमिलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जर्मनी में बेस्ड, उनके थ्रू आपको पता चलते रहता है कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ नहीं हैं। जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अराउंड 7 लाख जॉब ओपनिंग्स आर देयर, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है और वहाँ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी जर्मन सीख लें, तो बहुत ईजिली उनको हायर पोजिशंस में जॉब्स मिल जाती है और उनको पैकेजेस भी अच्छे ल्यूक्रेटिव मिलते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप लोग जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं, आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जा चुके हैं जर्मनी UG प्रोग्राम्स के लिए, PG प्रोग्राम्स के लिए भी, एंड दे आर डूइंग प्रेटी गुड इन देयर लाइफ राइट नाउ। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए। कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को या कमेंट्स को पोस्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जो है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।